Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Islamic Academy of Communication Arts ki taraf se main Jawad Abdul Mateen aapko 3D Studio Max Certificate Course Volume Number 9 mein khush aamdeed kehta hoon. 3D Max ke pichle volumes mein bhi hum dekhte rahe hain ki 3D applications mein kaam karte hue har pehlu hi itna ahem hota hai ki aapko puri tawajjuh deni padti hai matlooba nataij hasil karne ke liye. Hamara ye volume maps aur materials ke mutalliq hai. Agar 3D Max mein kaam karte hue aapne bahut achhi modeling ki ho, bahut acche tarike se apni lights apply ki ho, cameras apne scene mein apply ki ho, lekin maps aur materials ke mutalliq aapko malumat mukammal taur pe hasil na ho, jaisa ki aksar hum dekhte hain ki architecture mein kaam karne wale hamare wo students jo ki maps aur materials ke mutalliq mukammal malumat nahi rakhte ya wo bunyadi malumat jo ki isme kaam karne ke liye janna zaruri hai. तो अगरचे वो मॉडलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लाइट्स अच्छे तरीके से अपने सीन में अप्लाई करते हैं, लेकिन मैप्स और मटेरियल्स के मुतालिक मालूमात ना होने की वजह से उनका सीन हकीकत के करीब नहीं लगता. पहले भी इस बात का जिक्र होता रहा है कि इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स के कोर्सेज खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं जो ये कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके इलाकों में कोर्सेज दस्तयाब नहीं है. इसलिए खास तौर पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोर्स की क्वालिटी किसी भी लिहाज से मुतासिर ना हो और कोर्स समझने के लिहाज से इस कदर आसान हो कि हर लेवल के स्टूडेंट्स इसको समझ सकें. और महज अल्लाह ताला के फजल व करम से स्टूडेंट्स की तरफ से जो हमें फीडबैक मिल रहा है उससे बात भरपूर तरीके से मालूम हो रही है कि हर लेवल के स्टूडेंट्स बहुत आसानी के साथ इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स के कोर्सेज को मुकम्मल कर रहे हैं और इनसे अपनी जॉब और अपने बिजनेस के लिहाज से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं. अब होना तो ये चाहिए था कि आगे बढ़ के इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स की इस कोशिश में तावुन किया जाता, लेकिन इसके बिलमुकाबिल वो हजरात जो कि पायरेसी के शोबे से वाबस्ता थे उन्होंने इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के कोर्सेज को अपने कारोबारी मफाद के लिए आम कीमत पर मार्केट्स में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के लिए इन कोर्सेज को जारी रखना मजीद मुश्किल होता जा रहा है. अगरचे हम ये जानते हैं कि इससे भरपूर तरीके से हमारे वो स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर रहे हैं जो कि इन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन तक ये कोर्सेज दस्तयाब नहीं हैं. अब अगर आपके जहन में आए कि आप किस तरीके से इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स की इस कोशिश में शामिल हो सकते हैं या ताबुन कर सकते हैं, तो इस सिलसिले में आपसे सिर्फ इस कदर ताबुन की दरख्वास्त है कि आप हमेशा इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स से राबता करके ही कोर्सेज हासिल करें ताकि इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स के लिए बात मुमकिन रहे कि मजीद कोर्सेज पर काम किया जा सके और इस कोशिश को जारी रखा जा सके. और जैसा कि पहले भी बताया गया कि कोर्स बनाते हुए हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी भी लिहाज से कोर्स की क्वालिटी मुतासिर ना हो और वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो कि रेगुलर क्लास में डिफाइन करना भी मुश्किल लगता है उनको भी इस कदर आसान करके समझाया जाए कि हर लेवल के स्टूडेंट्स को कवर कर सकें. और आप इन कोर्सेज से भरपूर फ़ायदा उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं अगर आप उन हदायात पर अमल करें जो कि इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स की तरफ से आपको दी जाती हैं. मिसाल के तौर पे दीगर कोर्सेज में और 3D Max के भी इस कोर्स में बार बार आपको इस बात की याद दहानी कराई जाती रही है कि आप अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखें, कमांड्स को नोट करें, अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि कोर्स कंटेंट्स का आपके पास आ जाना इस बात की जमानत नहीं है कि आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे. इसकी मिसाल इस तरह से ही दी जा सकती है कि अगर आप महंगी से महंगी किताब भी ख़रीद लें तो आप उससे उस वक्त तक फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ ना लें और उसके अंदर बताई गई मालूमात को अच्छी तरह से ज़ेहन नशीन करके अपने अमल के अंदर ना लाएं. अब हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ.